तो जो भला है खुदावन, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश दर पुश्त अपने लोगों के साथ रहती है खुदावन तो जो हर वक्त हमारे साथ रहता है हमारी रहनुमाई करता है हमें संभालता है खुदांद मैं तेरी शुक्र गुज़ारी करती हूँ इस खुदावन वक्त के लिए अच्छे सुहाने वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन ताकि खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके खुदावन ताकि खुदावंद हम खुदावन तेरे नाम का खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद आगे लेकर जा सके खुदावंद और तेरे कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सके खुदावन मैं तेरी शुक्र गुज़ारी करती हूँ इस बात के लिए खुदावन कि तू खुदावंद अपने लोगों से आज भी खुदा मिलता है आज भी उनसे बात करता है और आज भी खुदा अपने लोगों को खुदा अपने कलाम के भेद अता करता है खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा मैं खुदा अपने आप को खुदा होस्ट को खुदा पूरे स्टूडियो को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद कि वंद आज जब तेरा कलाम सुनाया जाए खुदावंद तो इससे खुदावंद हर एक जिंदगी खुदा बरकत को पाए खुदा हर एक जिंदगी जो भी जान सुने खुदा वो बरकत को पाए खुदा खुदा और खुदा तेरा ही नाम हमारी जिंदगी में ऊंचा हो इज़्ज़त और जलाल पर मैं ये सुन सी का

और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो तो अजीजों इस आयत में हमने लॉइस और यूनिके के बारे में पढ़ा लॉइस जो की नानी थी और यूनिके जो तमोस की माँ थी तो आइए इन किरदारों के, के बारे में और मजीद कलाम में मुकदस की औरतों के किरदार के बारे में हम सीखते हैं सो so, मैम हमें बताइए इन किरदारों के बारे में अगर हम अभी हमने जो आयत पढ़ी इसमें यूनिके और लोइस के बारे में बताया गया है इसमें बताया गया कि अगर उसकी नानी लोइस में ईमान था तभी उसकी माँ में ईमान आया यानी ईमान ऐसी चीज़ है जो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है अगर हम खुदा पे हाँ जी अगर हम खुदा के साथ चलते रहते हैं खुदा के खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं तो तभी खुदा हमें बेरिया ईमान अता करता है ना इनकी नानी लोइस में जो तो मछ्स को अगर पलोस रसूल जो खत लिखते हैं इनकी नानी लोइस में वो ईमान था आगे उसकी माँ में वार आ गई तो मच्छी उसमें वो ट्रांसफर हुआ ये बेर ईमान खुदा उसी को अता करता है जो खुदा के साथ वफादार रहती हैं चलती रहती है और अपना वक्त खुदा को देती रहती हैं और अगर हम देखें तो अगर शुरुआत में हम देखें तो खुदा कभी भी मर्द और औरत में फर्क नहीं करता कभी भी अगर हम देखें जब आदम को खुदा ने रखा बान में हर एक चीज अता के फल फूल पौधे सब कुछ एवरी थिंग वहाँ जो भी था सब कुछ आदम को दिया तो जब खुदा ने हवा को पैदा किया तो हवा को भी वही चीज चीज़ें हाँ जी वही इख्तियार वही चीज़ें वही नेमते वही बरकतें उसने हवा को भी दी अगर वो फर्क करने वाला होता तो वो फिर हवा को बाहर रखता वो आदम को फिर अंदर रखता लेकिन उसने फर्क नहीं किया उसने कहा जो अगर मर्द का है वो औरत का भी हो इसका मतलब ये है कि खुदा फर्क करने वाला खुदा नहीं वो यकसा नहीं, खुदा है बिल्कुल, बिल्कुल वो यकसा खुदा है और वो आज भी ऐसी ही कुदरत रखता है वो बदला नहीं है आज भी तो अगर हम देखें तो जो ब्लैसिंग हवा के पास थी वो आज हमारे पास भी हैं उनकी ही औलाद हैं हम उनकी औलाद अगर हम एक और किरदार को आगे देखते हैं यूसु मसीह की माँ मरियम को अगर हम उनके उनको देखते हैं तो जब फरिश्ता उनके पास आता है तो वो कहता है कि तेरे साथ ऐसे होगा मतलब कि अगर जब वो सारी सिचुएशन बताता है सारा वाक्य बताता है कि मरियम तेरे साथ आगे ऐसे होगा तो वो कहती है कि मैं खुदावन की बंदी हूँ मेरे, मेरे लिए तेरे दे, कॉल के, के, के माफी को मतलब बंदी हूँ मतलब कि वो पहले भी खुदा के साथ चलती रही है वफादार रही है खुदा को अपना वक्त देती रही है दुनिया की इधर उधर चीजों में नहीं गई अपने मतलब कि दूसरी औरतों के साथ उसने अपने करैक्टर को करैक्टर नहीं किया बल्कि उसने अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखा खुदा के साथ चलती रही इसलिए खुदा ने उसे यूसु मसीह की माँ का रुतबा ता बिल्कुल वो ऐसी औरत थी कि उसने अपने आप को पाक दामन रखा इसलिए खुदा ने से वो रुतबा देने के लिए चुन लिया बिल्कुल। अगर हम एक और करैक्टर आगे चलते हैं सामड़ी औरत का कि जब वो औरत जब यूसुम मसीह औरत से मांगते हैं पानी कि मुझे पानी दे तो उसके साथ सारा वाक्य होता है तो वो फिर जो उसके साथ होता है वो फिर पूरे शहर को बताने चले जाती है वो ये नहीं कहती कि मेरे साथ जो हुआ जो खुदा ने मुझे मेरे बारे में बताया वो मैं वो छुपा के रखू हाँ जी मैं छुपा के रखू वो कहती है कि मैं किसी और को भी ये बरकत बरकर, बरकर ट्रांसफर करूँ ये किसी और में भी जाए तो फिर अगर वो लोग उसको सुनेंगे तभी वो यूसु मसीह के पास आए बिल्कुल अगर वो सामरी औरत को सुने तो तभी यूसु मसीह के पास आए और फिर वो भी अपनी शिफा को ले पाए अगर हम तीसरे करैक्टर में अपने बाइबल के तीसरे करैक्टर में जाते हैं तो वो करैक्टर आता है मूसा की जो बहन थी मरियम मूसा की बहन अगर मरियम देखें तो वह एक अच्छी बहन का किरदार अदा कर बिल्कुल है। वो जब टोकरे में उसकी माँ रख देती है उसको कि ये बह जाए तो वो साथ साथ जैसे जैसे टोकरा बहता जाता है वो वैसे साथ, -साथ चलती जाती है कि वो देखें कि मेरा भाई महफूज है कि नहीं और जब वो ए, जब वो महल में पहुंच जाता है तो तब वो फिर एक दाई भी मुहैया करती है बिल्कुल। तो वो देखते हैं कि अब दाई भी आ गई है तो वो देखते हैं कि अब मेरा भाई हर तरफ से महफूज है उसे किसी जान का खतरा नहीं है तो इसका मतलब कि खुदा का जो ईमान है खुदा का तर्स उसकी जिंदगी में है तो इसलिए वो अपने भाई को हिफाजत रख रही है हम अगर औरत तो के किरदार को देखें मरियम का अगर मैं किरदार देखूँ बाहसी बहन हाँ जी वो एक बहन थी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें माँ वाली ममता हाँ जी हम देखते हैं कि जब मूसा पानी में होता है तो हाँ तब वो एक माँ की तरह फिक्रमंद होती है और उसकी हिफाजत के लिए वो साथ साथ अपने भाई की होती है हाँ और जब कनीज को वो मिलता है हाँ जी। तो तब भी वो सबसे पहले उसे मशवरा देती है कि क्या मैं दाई को बुला हाँ के हाँ लाऊं इस बच्चे के लिए तो कहीं ना कहीं उस औरत में हर औरत में औरत के हर किरदार में हमें वो ममता हाँ वो केयर जो है वो नजर आती है वो एहसास नजर आता है चाहे वो अपने किसी भी किरदार में हो किसी भी रूप में हो लेकिन वो ममता वो प्यार और वो एहसास जो एक औरत में होता है वो खुदा ने किसी में भी और नहीं रखा हाँ जी अगर हम देखें कि खुदा ने जब औरत को पैदा किया तो इस इन चीज़ों से पहले माँ माँ बहन जो भी बनने से पहले खुदा ने उसमें एक ऐसी खूबी रखी कि वो पहले किसी कईयों के लिए मददगार साबित होती है। बिल्कुल कईयों के लिए बरकत का बायस बनती है कईयों के लिए हर चीज़ का वो अगर उन्हें ज़रूरत है दुआ की ज़रूरत है अगर वो किसी की भी ज़रूरत है तो वो पहले उनके लिए तर्स को रखती है पहले अपने आप को वो सरेंडर करती है खुदा के सामने तो तभी खुदा फिर देखता है कि इस औरत ने मुझे मुझे अपना अपना आप दिया है इसने मुझे अपना है इसने किरदार दिखाया तो फिर खुदा भी फिर अपनी बरकत को उस पर नाज़िल करता है खुदा भी फिर उस पर रहम अपना जाहिर करता है तो तभी अगर हम देखें तो जब मरियम फिर मरियम हो जाती है अपनी बहन का किरदार अदा कर लेती है तो जब खुदा इसराइल को और मूसा को जब मुल्क मिस्र से निकालता है तो वो वर्शिप करती हुई खुदा के पीछे पीछे ना होता तो वो अपने भाई को भी ना बचाती। अगर खुदा तर्स ना होता तो वो नाचती हुई भी ना करती मतलब कि वो पहले वर्शिपर थी पहले वो खुदा के साथ चलती रहती थी इसीलिए खुदा ने फिर उसे अपने बंदा की हिफाजत के लिए चुना बिल्कुल ऐसा जो है खतरे में थी वही मूसा पूरे मुल्क कौम मिसर में से बनी नौ को निकालने का वसीला बना और उसी के वसीले से उन्होंने गुलामी से आज़ादी पाई हाँ जी और अब अब अग, अगला के दारम देखते हैं तो वो औरत जिसने यीशु मसीह के पाँव में इत्र डाला बिल्कुल अगर वो औरत को देखे तो वो कोई अमीर औरत नहीं थी एक बेशकीमत इत्र था जो उसने अपने शायद किसी के लिए रखा हो लेकिन अगर हम देखें तो वो ये भी सोच सकती थी कि मैं इसे बेचकर अपने घर की अच्छी अशिया खरीद सकती बिल्कुल मैं अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ अच्छी चीजें खरीद सकती हूँ जो मेरे लिए जरूरत हो लेकिन उसने ये चीज़ को आगे नहीं लिखा अपना अपना बेस्ट अपनी बेस्ट चीज खुदा को दे दी यूसुम सि के कदमों में रख दी तो यूसुमसी ने फिर उसे ये अवॉर्ड दिया कि जहां जहां झेल की मुनादी होगी वहां वहां इस औरत का भी जिक्र होगा बिल्कुल यानी खुदा ने फिर उसे ये इनाम दिया कि अगर इसने अपना ये अगर बेच की मत इतनी था ये कुछ और भी खरीद सकती थी गरीबों को भी दे सकती थी लेकिन इसने ये बेशकीमती चीज मेरे लिए कुर्बान कर दी तो अब मैं इसे ये रिवॉर्ड दूंगा कि ये अब जहां -जहां बाइबल का अंजील के मुनादी होगी औरत का भी किरदार साथ नजर आज आएगा। की अगर हम देखें अगर आ, आज हम बात करें आज की औरत के पास अगर कोई बहुत कीमती चीज हो तो वो क्या करेगी हाँ जी अगर हम ये देखें तो शायद मे भी वो उसे बचा के रखे अपनी जात के लिए वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाए कि ये तो सिर्फ मैं इस्तेमाल करूँगी इतनी खुशबूदार चीज़ है लेकिन तब वो औरत इस चीज को अपने दिल में नहीं लाती बल्कि वो उस बेश कीमत इतर को खुदा जैसे मसीह के पाँव में डालती है और अपने बालों से उसके पाँव को साफ करती है और ये एक बहुत बड़ी मिसाल हाँ है हमारे लिए इंतजारी की भी हाँ जी और अगर देखे तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम फाइनेंशली तौर तो पर नहीं खुदा के साथ चले अगर वो चाहती तो वो वैसे भी कह सकती थी कि खुदा मैं तेरे कदमों में वैसे ही बैठ सकती हूँ वो सितर को छुपा के घर में रखती लेकिन उसने कहा नहीं मैं फ़ाइनेंशली तौर तो पर भी खुदा तेरे कदमों में हूँ और जिसमानी तौर तो पर भी मैं तेरे कदमों में हूँ इसलिए वो अपने बालों को भी साथ उसने इसलिए किया कि खुदा मेरा सर मेरा जिसम और मेरी रूह और मेरा जो फाइनेंशली मेरे पास बरकत है वो भी तेरे कदमों में है क्योंकि अब तू ही अजीम है और तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है तो इसलिए खुदा ने भी फिर उसे आज़ाद

कभी कभी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता ऐसी सख्त कंडीशन में भी एक वफादार बहू की तरह अपनी सास का साथ निभाती है हाँ जी उसके अंदर खुदा का एक ऐसा तर्स होता है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर बुढ़ी औरत कहा जाएगी कहाँ जाएगी ये वो उसी आदमी के अंदर ये चीजें उसी इंसान के अंदर ये चीज होती है जिसके अंदर खुदा बसता हो बिल्कुल ये खुदा हमारा तर्स का खुदा है वो रहम करता है तो अगर वो छोड़ देती वो खुदा वो खुदा को भी ना करती तो वे वो, वो ब्लेसिंग आगे ना मिलती जो उसे मिलने वाली थी अगर उसके अगर तभी खुदा ने उसे ये ब्लेसिंग बता कि जब उसने खुदा को ये अपना करैक्टर दिखाया कि मैं ना सिर्फ तेरे साथ वफादार हूँ बल्कि अगर तूने मेरे साथ जिसको भी रखा है मैं उसके साथ भी वफादार हूँ ना सिर्फ तेरे साथ वफादारी दिखा रही हूँ बल्कि उस इंसान के साथ भी अगर तूने मेरे हस्बैंड को ले लिया है शोहर ख़त्म हो गया है खुदा के पास जा चुका है तो वो फिर भी अपनी वफादारी दिखा रहे जि है, वफादार वफादार है। हैं है, 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 और इसी वफादारी से हम देखते हैं हाँ तोहफा दोबारा मिलता है उसे ऐसा जिंदगी में दोबारा वापस मिल जाती है और वो एक गरीब लड़की होती है और जिस शख्स से बाद में उसकी शादी होती है उसकी बदौलत वो एक बहुत ही मोजस घर में जो है जाती है और गरीब से अमीर बन जाता हाँ है वो एक फाइनेंशियली बरकत बरकत को पाती है जब उसके पास स्पिरिचुअली थी।, थी तो उसके पास फाइनेंशियली बरकत खुद खुद ब आ गई अगर हम दे, देखते हैं तो खुदा आज हमें यही पैगाम देता है कि हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बरकत को ही देखें कि मेरी जिंदगी में बरकत ही है बरकत है मेरे हाँ घर में चारों तरफ हर तरफ ही बरकत है तो मैं जो और किसी चीज़ की जरूरत क्या मुझे खुदा की जरूरत क्या मुझे खुदा के खाद्मों की जरूरत क्या लेकिन वो अपने आपको पहचान नहीं रही कि खुदा ने मुझे बाहसीियत एक माँ की सूरत में भी चुना है कि मैं खुदा मैं अगर मैं एक माँ हूँ तो अपने बच्चों को खुदा की तरफ लगाऊँ एक बहन हो तो अपने बहन भाइयों को खुदा की तरफ लगाऊँ अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो मैं हर तरह से अपना किरदार यूसुमसी में ढालने की कोशिश करूँ हर तरफ से मैं अपने आप को खुदा में ढालने की कोशिश करूँ क्योंकि जब पलोस रसूल इस बात को बयान करता है कि अगर तेरा शोहर बेरा हो उसके पास कोई रास्ता ना हो लेकिन अगर तू हक पर चल रही है तो तेरा शोहर तेरा किरदार देखकर वो मसी में आ जाएगा बिल्कुल यानी अपना किरदार अपनी जो जिंदगी है अगर तू खुदा को दे देगी अगर तू अपनी जिंदगी को ख्वाहिशों की नजर करने की बजाय अपनी जिंदगी को खुदा में दे देगी दे तो तेरा शोहर खुद ब खुद खुदा में वापस आ जाएगा बिल्कुल खुदा से वापस खींच लाएगा अपने अपने वसीला से कि अगर हम अपने आप आपको अपने आप को जिंदा खुदा के हवाले कर देते हैं तो फिर जिंदा खुदा में खुद ब खुद वो जिंदगी अता कर देता है जो उसने हमारे लिए रखी हो और इन्ही किरदारों से हम सीखते हैं कि खुदा हमारा हमारा कैसा मेहरबान है लेकिन बशर्त के हमारे अंदर ईमान हो हमारे अंदर एक ईमान की एक लहर हो हमारे अंदर कि हमारे अंदर ईमान है तो तभी हम खुदा के साथ चलते है। यकीन हैं यकीन हाँ जी और कहते हैं कि अगर जिसमें ईमान नहीं है वो लहरों की मानिद है जो सिर्फ झाग उछालती हैं वो सिर्फ अपने आप को वो दिखाती हैं लेकिन वो होती वो नहीं है अगर ईमान होता है तो तभी वो अपने आप को मजबूत करती है तभी वो अपने आप को अगर हम देखें इमसाल में इमसाल में लिखा है कि दना औरत अपना घर बसाती है दना औरत, दना औरत, दना औरत अपना, अपना घर बसाती है, बसाते है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है बिल्कुल अगर देखें कि अहमक और दना बना हमारे हाथों में है अगर हम देखते हैं कि एक अहमक औरत ये करती है तो हमें वो अगर ना करे तो हम खुद ब खुद दना बन जाएंगे अब हमारा रूहानी घर और हमारा जिसमानी घर हमारे खुद के हाथों में है अगर हम खुद ही कह रहे हैं कि खुद ही बना बनाएंगे अपने आप को खुद ही खुदा के हाथों में दे देंगे तो हमारा खुद ब खुद रूहानी घर बनता जाएगा लेकिन अगर हम अहमकों की तरह उनकी रास्ते पर चलेंगे उनकी ख़्वाहिशों को देखेंगे अपने आप को दुनिया की चीजों में ढालने की कोशिश करेंगे तो फिर खुद बुद्ध हम अपने आप को अपने हाथों से ही घर को बर्बाद कर रहे बिल्कुल क्योंकि औरत वही है है जो अपना घर घर बना रही घर है। बना था। और औरत के हाथ में ही होता है है है।, कि वो अपना घर बना भी सकती है और भी, और भी, सकती भी सकती, है। है। हाँ जी। और और बिगाड़ जी अपने वो अपने बच्चों को भी हक के रास्ते पर चला भी सकती है और नहीं भी चला सकती भी चला और इसी तरह अगर वो देखे तो इमसाल में बहुत सी चीजें मिलती है वो कहता है कि वो इमसाल में लिखा है कि वो मजबूत है उसके घुटने उसका दिल उसका दिमाग मजबूत है तो वो खुदा के साथ चलती है जैसे जैसे वो चलती जाती है खुदा उसे मज़बूत करता जाता है जैसे जैसे वो चलती है वो कहता है वो हर एक ब्लेसिंग उसके पास है अगर वो कपड़े सिलाई करती है वो कपड़ों सिलाई करके बेचती है वो अपना अपना किरदार खुदा को दिखा रही है अगर वो एक ख़ूबसूरत है तो वो खूबसूरती के ज़रिए किसी को अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं करे बल्कि वो बेसबात खूबसूरती को पीछे कर देती है लेकिन खुदा कहता है कि अगर वत जो खुदा से खुदा से डर और खौफ खाती है वो सतुदा होगी वो ऐसी होगी उसके अंदर से ब्लैसिंग निकलेगी बिल्कुल उसके अंदर होगी और वो खुद ब खुद ब्लैसिंग को पाने की कोशिश नहीं करेगी बल्कि खुद उसके पीछे आएंगी उसके उसके, पीछे आएगी। उसके अंदर होगी क्योंकि अगर खुदा हमारा हमारे साथ है तो हमारे अंदर खुद बुद्ध एक ब्लैसिंग पैदा होगी बिल्कुल अजीज हमें भी इसी तरह बरकतों के पीछे जो है वो खुद को नहीं भगाना बल्कि हमें खुदा की राह पर चलना है और ये बरकतें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमें मिल जाएंगी तो अभी वक्त है कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें तो आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद